पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए भाजपा के चल रहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम अभिनंदन समारोह में यूपी में पार्टी के पदाधिकारियों को हैरान कर दिया है। जहां भाजपा हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी थी, जहां एनडीए तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रहे, वहीं यूपी में न केवल उसकी सीटें 64 से घटकर 37 रह गई, भाजपा का वोट शेयर भी 2019 में 49.98% से घटकर अब केवल 41.37% रह गया है। पार्टी के इतने निराशाजनक प्रदर्शन के साथ पूरे राज्य में आयोजित किए जा रहे अभिनंदन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को समान रूप से परेशान कर दिया है। जहां अधिकांश नेताओं ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है, वहीं कुछ जगहों से असंतोष के छिटपुट आवाजें भी आ रही हैं। हाल ही में जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी आगामी 2027 के चुनाव में राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी। अपनी शंका जाहिर करते हुए वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और यूपी नेतृत्व के बारे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वायरल वीडियो में रमेश मिश्रा ने अपने ही संगठन को लेकर बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। विधायक रमेश मिश्रा का वायरल वीडियो कब और कहां का है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। विधायक रमेश मिश्रा क्षेत्र की जनता से जुड़ी हुई सभी तस्वीरें मीडिया को शेयर करते चले आ रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। प्रतापगढ़ की पट्टी में इसी तरह के एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मोती सिंह के भाषण का एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर मोती सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने तहसीलों और थानों में इस हद तक भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा जितना आजकल देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर लौट रहे एक भाजपा कार्यकर्ता का एक अन्य यात्री से वाहन की टक्कर को लेकर झगड़ा हो गया। कार्यकर्ता को पुलिस थाने ले गए जहां कथित तौर पर उसकी पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश में पार्टी महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला को इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। शुक्ला ने बताया कि ये कार्यक्रम करीब 200 जगहों पर हुए। यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी द्वारा एकत्र किए गए फीडबैक के मुताबिक कई जगहों पर कार्यकर्ता टिकट वितरण और सामान्य उपेक्षा को लेकर कई जिलों में राज्य और केंद्रीय नेतृत्व से नाराज थे। फिर भी उस समय कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि मोदी फैक्टर को भी ठीक से बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे निष्कर्ष निकाला गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है और चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है और आसानी से जीत लिया जाएगा।